बस 4 से 5 दिन पहले पहले एग्जाम्स के कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेजॉरिटी बच्चे एक 70% थ्रेश होल्ड में 60% थ्रेश होल्ड पे काइंड ऑफ पार्क कर रहे होते हैं कि 70% चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन वो जो 30% है जिसमें LLP आ सकता है, जिसमें लॉ आ सकता है, लॉ का पार्टनरशिप आ सकता है, जिसमें कि अकाउंट्स के शायद स्पेशल ट्रांजैक्शंस के कुछ टॉपिक आ सकते हैं, तो वो 30% हमें हॉन्ट करता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट आर आवर चांसेस ऑफ पासिंग एट दिस थ्रेश होल्ड ऑफ प्रेपरेशन। तो पिछले 3 से 4 दिनों से मेरे पास ऐसे कॉल्स मेरे बैच के स्टूडेंट्स के बहुत आ रहे थे, तो मैं उनको कुछ गाइडेंस दे रही थी ओवर कॉल कि कैसे कैसे आप डेफिनेटली पास कर सकते हो अगर आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हो, गिवन कि आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, प्रेपरेशन है, सॉलिड प्रेपरेशन है, ये नहीं कि हवा हवा में आखिरी के 5 दिन में बता दूं कैसे पास करना है, ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो एक बच्चे का सवाल ये था कि मैम मैंने लेट्स सपोज लॉ में ICA सोगा मेरा अच्छे से कंप्लीट है एंड देन मेरा पार्टनरशिप जो है नहीं हुआ है, LLP नहीं हुआ है, कंपनीज हुआ है एंड देन BCR भी मैंने किया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ, इंडिविजुअल चलिए पिकअप करते हैं एक्सेप्ट मैथ्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में देखो कोई पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल लॉ में अपने पास BCR है जो कि आपके नया पार करवा सकता है, वी डोंट हैव सर्टेन थिंग्स इन अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में आई हैव बीन सेइंग ऑलवेज दैट एक शॉर्ट भी अभी हमारा गया हुआ है इस चैनल पे कि अकाउंट्स में जो मॉड्यूल 2 है उसमें अगर तुम्हारा पार्टनर जो भी अकाउंट्स मॉड्यूल 2 है आपका फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग यू हैव NPO यू हैव पार्टनरशिप यू हैव कंपनी, ये अगर आपका सॉलिड है, सॉलिड का मतलब अभी भी मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस नहीं, अगर वो सॉलिड है और उधर लेट सपोज तुम कोई चैप्टर छोड़ करके जाते हो, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन BRS इन्वेंटरी में से कोई एक चीज़ आपकी तैयार नहीं है, स्पेशल ट्रांजैक्शन आधा कच्चा है, तो भी मैं कहूँगी कि गिवन मंथ डेज में आपको अब क्या करना है। सुनो बहुत ध्यान से अकाउंट्स बताती हूँ। तो आपने ये 4 चैप्टर्स मॉड्यूल 2 के आपके स्ट्रॉन्ग हैं, मैं कहूँगी कि उसके बाद असाइनमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन में कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, असाइनमेंट हमारे क्लास में हम देते हैं अगर आप हमारे क्लास के बच्चे नहीं हो, अगर क्लास के बच्चे हो तो असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, उसमें जो टफ लग रहा है उसको मार्क करना और एक रात पहले पढ़ के जाना। ये असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल में क्या है जो मेरे नॉन बैच स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं वो सुन ले, आज तक के जितने भी RTP MTP PYQ के क्वेश्चंस हैं, हॉट्स क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, टफ लेवल क्वेश्चंस हैं वो हैं ये। तो सॉलिड प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि तुमने फाइनल अकाउंट तुम कह रहे हो हाँ मेरा तो फाइनल अकाउंट्स और वो 4 चैप्टर्स कंप्लीट हैं, वो 4 चैप्टर्स सॉलिड कंप्लीट तब हैं जब तुम इस लेवल के क्वेश्चंस तैयार करके जाते हो। तो इसको करने के बाद आई वुड से कि लेट सपोज तुम्हारा एक BRS या फिर एक डीप डेप्रिसिएशन या फिर इन्वेंटरी नॉट ऑल ऑफ दीज या फिर रेक्टिफिकेशन या फिर ये सब तैयार है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस में से 1-2-3 बच्चे अक्सर छोड़ करके जाते हैं, वो नहीं भी है तो भी इट इज़ ओके। मतलब तुम सोचो ना कि तुमने कितने वेटेज को हॉट लेवल पे तैयार किया हुआ है, 4 उधर और इधर भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन वगैरह में से 2-3-4-5 तो डन ही है, 2-3 नहीं भी डन है तो भी आप पास कर ले जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत हाई स्कोर्स आएंगे बट यू विल बी एबल टू स्कोर आई थिंक नियरली 50-60 तो आ जाएंगे, है ना। तो दिस इज द स्मार्ट वर्किंग इन अकाउंट्स, दैट इज आई वुड रिपीट ऑल दीज 4 चैप्टर्स विच आर द कोर चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉड्यूल 2, दोज प्रिपेयर टू द हाइएस्ट लेवल इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स जो हम देते हैं या फिर आप खुद से कर सकते हो रिप्लेसमेंट, और फिर इधर जितने भी चैप्टर्स हैं। अच्छा सिमिलर चीज़ में एक चीज़ लॉ में बताना चाहूँगी जो अकाउंट्स की है कि लॉ में भी लेट सपोज अभी लास्ट मोमेंट पे आपको करना क्या है कि जो रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज करो, ठीक है, जो असाइनमेंट अगेन है लॉ की या फिर सेम चीज़ जो RTP MTP PYQ के क्वेश्चंस हैं वो आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो बैच है जो बच्चों को मिल चुका है या फिर अगर आप नहीं भी हो तो हमने चीट शीट डाल दी है, तो RTP MTP के क्वेश्चंस लॉ के और PYQ के क्वेश्चंस लॉ के, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस लॉ के, वो एटलीस्ट उन चैप्टर्स के जरूर करके जाना जो चैप्टर तुम छोड़ के जा रहे हो, तो हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो कमिंग टू लॉ में भी लेट सपोज LLP नहीं किया हुआ है, लेट सपोज पार्टनरशिप नहीं किया हुआ है, तो हेयर यू हैव BCR, ठीक। अकाउंट्स की बात हो गई, तो अभी एक बच्ची का मेरे पास कॉल आया था, मैंने कहा यार पार्टनरशिप पिकअप करना आई वोंट सजेस्ट, LLP पिकअप करना एट लास्ट मोमेंट आई विल नॉट सजेस्ट, उसके जगह पे तुम क्या कर सकते हो BCR के जो फॉर्मेट्स हैं BCR के फॉर्मेट्स को एक बार में पिकअप कर लो और 2-2 बार उसको रिवाइज करो लिख लिख करके। अब क्या होगा कि लॉ और BCR में फ़ायदा ये है कि लेट सपोज तुम्हारा LLP नहीं डन है, पार्टनरशिप नहीं डन है, तो जो BCR के एनॉर्मस फॉर्मेट्स हैं और उसको तुम तैयार कर लो इन प्लेस ऑफ दिस टाइम जिसमें तुम जो तुम LLP में या पार्टनरशिप में कंज्यूम करते, और प्लीज़ नया कुछ मत पढ़ो। आपको लॉ में भी क्या करना है BCR के फॉर्मेट्स अच्छे से याद होने चाहिए, BCR में नंबर कैसे मिलते हैं, जो स्टोरी होती है उसको एग्जामिनर इतना नहीं देखता है जितना BCR के फॉर्मेट्स, जितना BCR के ओपनिंग लाइंस, जितना BCR में किसी एक क्वेश्चन का क्लोजिंग लाइंस, लेट सपोज लेटर का फॉर्मेट
ओपनिंग क्लोजिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो हर एक के, और फॉर्मेट को दो दो तीन तीन बार पढ़ो। नया चैप्टर लॉ में पिकअप मत करो, लॉ में जितने भी राइटिंग प्रैक्टिस के वीडियोज हैं, लॉ में जितने भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं आज तक जो आए हैं वो जरूर होने चाहिए, प्लस इस बार का आरटीपी, प्लस इस बार का एमटीपी, और हो सके तो प्रीवियस टाइम का आरटीपी एमटीपी भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये है हमारा वो क्या बोलते हैं उसको स्मार्ट तरीका। तो क्लोजिंग मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि नया चैप्टर भी पिकअप नहीं करना है, जितना प्रिपरेशन कर चुके हो उसको बिल्कुल स्मार्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे प्रिपेयर करना है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रिपेयर करने का मतलब है कि उसके सिर्फ एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, इलस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, उसके हॉट लेवल के क्वेश्चन को दो दो बार प्रैक्टिस करना है, और उधर बीसीआर को बहुत अच्छे से फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस केस लॉ के क्वेश्चन को एटलीस्ट एंड में देख के जाना है। अगर आप मेरे बैच के बच्चे हो तो कम से कम कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हो तो भी उसके जो असाइनमेंट के आंसर्स हैं उसको देख के जाओ, सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू अकाउंट्स, सिमिलर क्वेश्चंस पुराने किसी आरटीपी में आएंगे, किसी एमटीपी में आएंगे, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, वो क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं और तुमने ऊपर से देख करके गए हो तो तुम वहां पे सॉल्व कर ले जाओगे, अगर फुल नंबर नहीं भी मिलेगा 10 नंबर स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी। तो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट, आई होप इट मेड सेंस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड हियर इज कि डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग फ्रेश, व्हाटएवर यू हैव प्रिपेयर्ड प्रिपेयर इट टू अ सॉलिड लेवल। आई होप दैट मेड सेंस। कोई और चैप्टर पे, कोई और टॉपिक पे क्वेश्चन वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख सकते हो। आई थिंक द सेम अप्लाइज टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इकोनॉमिक्स में इतने सारे एमसीक्यूज अवेलेबल नहीं होते हैं, इकोनॉमिक्स में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं भी होती है बिकॉज देर इज बीसीके जो कि आपकी हेल्प करता है। तो बीसीके का हमारा मैराथन पढ़ा ही हुआ है, आप उससे पास हो सकते हो बहुत आसानी से। और इकोनॉमिक्स में आई वुड सजेस्ट यू चैप्टर छोड़ करके मत जाओ, राइट? अगर आपको कोई चैप्टर में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बोल सकते हो, हम उसको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू।